हरभजन सिंह ने कहा, बुमराह की हैट्रिक के पीछे इस भारतीय दिग्गज का दिमाग रहेंगे शनी। नमस्कार, वेस्टइंडीज के जमैका स्थित सवीना पार्क में भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट की हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वो हरभजन सिंह और इरफान पठान के बाद तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए जिसने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने का कारनामा किया। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह का मानना है कि जसप्रीत बुमराह हमेशा विराट कोहली के कर्जदार रहेंगे जिसकी बदौलत उन्हें हैट्रिक मिली। जैसे वह 18 साल पहले अविश्वसनीय कैच के लिए सदगोपाल रमेश के आभारी हैं। हरभजन ने कहा, इस हैट्रिक का श्रेय बुमराह के साथ विराट को भी जाता है। गेंदबाजी को नहीं लगा था कि बल्लेबाज आउट है, लेकिन कप्तान को अंदर से लग रहा था कि वह आउट है। अगर विराट DRS नहीं लेते तो क्या होता। कप्तान का ये फैसला बेहतर था जिसकी वजह से वह शानदार प्रयास कर सका। हरभजन को अब भी लगता है कि रमेश के शानदार प्रयास के बिना वह ये इतिहास नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब मैंने सौरभ गांगुली के साथ चर्चा करने के बाद गेंदबाजी की। सच कहूं तो रमेश उस टीम में इतना फुर्तीला नहीं था, फिर भी फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर उन्होंने शानदार कैच लपका तो मैंने उन्हें कहा था, दोस्त मेरी हैट्रिक तुम्हारी बदौलत मिली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 711 विकेट चटकाने वाले हरभजन सिंह ने कहा, इसलिए मेरा मानना है कि कुछ चीजें एक साथ होती है तो ऐसा ही कुछ होता है। तब ये रमेश का शानदार कैच था, अब ये विराट का फैसला रहा। आपको बता दें कि बुमराह ने VCCI TV पर कप्तान को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि वो गेंद पहले बैट पर लगी है, लेकिन वहाँ पर कप्तान ने शानदार DRS कॉल की जिससे मुझे हैट्रिक मिली, तो ये कप्तान की वजह से मुमकिन हो पाया। इसका श्रेय आपको भी जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।